हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 50 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर वाले स्टॉक्स को हम फ्री में कैसे स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप इस स्टॉक्स में देखोगे, यहाँ पर हमारे सामने मूविंग एवरेज है 50। अगर आप यहाँ से देख सकते हो, ये मूविंग एवरेज इस स्टॉक्स में ऐड है, वो आप यहाँ से देखो, सिंपल मूविंग एवरेज है और मूविंग एवरेज है 50। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे ही इस स्टॉक्स ने यहाँ पर अपने 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पर क्रॉस किया है, तो इस स्टॉक्स में लगभग 10-20% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो इसने यहाँ पर इसको क्रॉस किया था और इसमें अपर साइड में अच्छा मोमेंटम हमारे लिए मिला है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसने क्रॉस किया था, उसी दिन हमारे लिए इसमें अच्छा मोमेंटम मिला था, लगभग 15.5% का मोमेंटम मिला था। उसके बाद स्टॉक्स में यहाँ पर गिरावट आई है। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही स्टॉक्स को स्कैन करके देखेंगे जो स्टॉक्स अपने 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही स्टॉक्स 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हैं, तो उसमें अपर साइड में मोमेंटम होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर आप जैसे यहाँ पर देखोगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे जो जैसे इसने 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, तो यहाँ पर ये जो क्रॉस हुआ है वो यहाँ पर फेल हुआ है। क्योंकि क्रॉस करने के बाद यहाँ पर स्टॉक धीरे धीरे नीचे आया है, तो यहाँ पर हमारा लॉस हो जाता। ऐसा नहीं है कि जब भी 50 मूविंग एवरेज को स्टॉक्स क्रॉस करेगा और अपर साइड में धीरे धीरे जाने लगेगा और वहाँ पर हमारा प्रॉफिट होगा, हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमारा वहाँ पर लॉस भी होता है, क्योंकि 100% कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है। तो इसी तरह से 50 मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटजी वर्क करती है, कि जैसे ही वो 50 मूविंग एवरेज को कोई भी स्टॉक्स क्रॉस करता है अपर साइड में या डाउन साइड में, अगर डाउन साइड में करता है तो वहाँ पर हम शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं, और अपर साइड में करता है तो वहाँ पर हम बाइंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे स्टॉक्स को देखेंगे जो स्टॉक्स 50 मूविंग एवरेज को अपर साइड में क्रॉस कर रहे हैं, और जैसे ही वो अपर साइड में क्रॉस करेंगे, वहाँ पर हम अपना ट्रेड ले सकते हैं और वहाँ पर हम अपने प्रॉफिट को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम 50 मूविंग एवरेज क्रॉस वाले स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे गूगल पर। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर हमारे लिए सर्च करना है topstocksresearch.com। जैसे ही आप गूगल पर topstocksresearch.com सर्च करोगे, यहाँ पर हमारे सामने एक वेबसाइट आ जाएगी टॉप स्टॉक रिसर्च। हमारे लिए इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो टॉप स्टॉक रिसर्च वेबसाइट है, वो हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आपके सामने इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर हमारे लिए क्लिक करना है प्री स्क्रीन पर। प्री स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन दिखेगा मूविंग एवरेज का। तो हमारे लिए इस मूविंग एवरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस क्रॉस अबव 5 MMA, यानी कि यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो 5 सिंपल मूविंग एवरेज को यहाँ पर क्रॉस कर रहे होंगे। यहाँ पर आएंगे 10 मूविंग एवरेज वाले, यहाँ पर 15 मूविंग एवरेज वाले, यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज वाले और यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज वाले। तो हमारे लिए 50 मूविंग एवरेज वाले स्टॉक्स को स्कैन करके देखते हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे 100 मूविंग एवरेज वाले स्टॉक्स को और 200 मूविंग एवरेज वाले स्टॉक्स को। तो इस वीडियो में हम 50 मूविंग एवरेज वाले स्टॉक्स को क्रॉस करने वाले स्टॉक्स को सर्च कर रहे हैं। तो हम 50 मूविंग एवरेज स्टॉक्स को डेली टाइम फ्रेम में क्लिक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने बहुत सारे स्टॉक्स आ गए जो डेली टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज को अपर साइड में क्रॉस कर रहे हैं, और जिनमें हम बाइंग के लिए ट्रेड ले सकते हो। ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हो एरियन लिमिटेड, हम इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर हम इस स्टॉक्स के चार्ट को ओपन करके देखेंगे और देखते हैं कि अब वाकई वो 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे और इसके हम चार्ट को करते हैं ओपन, एरियन लिमिटेड। तो दोस्तों, अब आप यहां से देख सकते हो कि ये हमारे सामने 50 मूविंग एवरेज है येलो कलर में, और यहां पर जो ग्रीन कैंडल बनाई है, इसने इस मूविंग एवरेज को यहां पर क्रॉस करते हुए बनाई है। तो आने वाले दिनों में इस साइड में अपर साइड में मोमेंटम हो सकता है। यहां पर ये प्रेडिक्शन होता है, 100% कहीं भी चांस नहीं होता है। और इसी तरह से हम किसी और स्टॉक्स को ले लेते हैं। जैसे हम इसको ले लेते हैं अल्फागो इंडिया, इसको हम ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर पेस्ट करके इसके चार्ट को ओपन करके देखते हैं कि अगर कि ये स्टॉक्स भी क्या बाकी 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये भी 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पर एक क्रॉस कर रहा है। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि इसने यहाँ पर मल्टीपल टाइम 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, और यहाँ पर ये क्रॉस करने के बाद ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ऊपर जाने क्रॉस करने के बाद फिर से नीचे आ जाता है। तो ऐसे टाइम में हमारा, अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो, तो आपका लॉस होता है। कभी कभी हमारा लॉस होता है, और जब प्रॉफिट होता है तो वहाँ पर हमारा प्रॉफिट बड़ा होता है। तो ये छोटे छोटे लॉसेस होते हैं, वो कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम टॉप स्टॉक रिसर्च वेबसाइट का यूज करके 50 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर वाले स्टॉक्स को फ्री में स्कैन
कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर वेबसाइट है topstockresearch.com। आप डायरेक्ट इस पर आओगे। गूगल पे आने के बाद आपके लिए प्री स्क्रीन में आना है। प्री स्क्रीन में आने के बाद आप मूविंग एवरेज पे क्लिक करोगे। मूविंग एवरेज पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर आके आपके सामने सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। अब मैंने आपके लिए डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक्स को ओपन करके दिखाया। आप इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे आएंगे तो आप इसको इंट्राडे के लिए भी स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हो। आप वीकली टाइम फ्रेम में जो स्टॉक्स 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहे होंगे आप उनको स्कैन कर सकते हो। मंथली टाइम फ्रेम में कर सकते हो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर और 2 आवर, आपके सामने यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप किसी पर भी क्लिक करके अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे स्टॉक्स ओपन होके स्कैन होके आ जाएंगे जो स्टॉक्स मंथली टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए ट्रेड कर रहे होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो में समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम topstockresearch.com का यूज करके 50 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर वाले स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।